हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी क्रिकेट बॉल। बिग बैश लीग 2022 में होने वाला मैच नंबर 27 जो कि खेला जाएगा मेलबर्न रेनेगेड्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में, बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है गाइस। इस मैच को देखने के लिए तैयार हो जाइए। 3 जून को 1:45 पर यह मुकाबला होने वाला है। बहुत सारे चेंजेस दोनों टीमों की तरफ से, काफ़ी चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। टीम के साथ साथ कप्तान चेंज हो चुका है मेलबर्न रेनेगेड्स का। निक मेंडिसन को इंजरी के कारण उनके जगह पे फिंच को कप्तानी के लिए प्रमोट कर दिया गया है। तो गाइज, टीम छोड़िए, कप्तान चेंज हो चुका है। अगर मैं दोनों टीमों की यहाँ बात आपको करूँ ना रीसेंट फॉर्म की, तो अगर मैं बात करूँ मेलबर्न स्टार्स 6 मैच खेली है, 2 मुकाबले जीती है, लेकिन लास्ट मैच जीत के आ रही है, तो फॉर्म में पूरी टीम आ चुकी है। वहीं बात करें मेलबर्न रेनेगेड्स की, तो 7 मैच खेली है, 3 मुकाबले जीती है, लेकिन आखिरी मैच हार के आ रहे हैं। तो यहाँ पर रेनेगेड्स थोड़ा सा दबने वाली है, लेकिन गाइस कमबैक करती है। हर टीम चाहती है कि मैच जीत के आगे बढ़े, क्योंकि 8वां मुकाबला होगा, तो जरूर चाहेगी रेनेगेड्स कमबैक करने का। टीम भी बहुत अच्छी है और फिंच की कप्तानी हम सब ने ऑस्ट्रेलिया का देखा हुआ है किस तरह से कप्तानी करते हैं। तो यहाँ पर टीमें उस तरह से ही बनानी है, आपको बहुत रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, इस वीडियो में सब कुछ कवर करके हम आपको देने वाले हैं। कैसी होगी पिच, किसको फेवर करने वाली है, कौन बनाएगा कितने रन, कौन निकालेगा कितने ज़्यादा विकटें, अकील हुसैन की फॉर्म में वापसी होने वाली है या फिर होने वाले फ्लॉप, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइड एंड तक देखना ना भूलें। GL की कॉम्बिनेशन, स्मॉल लीग के बेस्ट कैप्टन, वाइस कैप्टन की चॉइस क्या रहने वाली है, सारी बातें डिटेल में करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देर के बात कर लेते हैं मैच वेन्यू की। ये मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में होने वाला है। अगर मैं इस पिच की बात करूं तो बैलेंस पिच है, यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों को फेवर करती हुई पिच नज़र आएगी। स्पिनर्स को मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है पिच पे, लेकिन पेसर ऑस्ट्रेलिया की पिच है तो स्वाभाविक सी बात है पेसर्स तो निकालेंगे ही ज़्यादा विकटें। और अगर आप रिसेंट मैच देखो ना, तो विकटें गिर रही है, काफ़ी विकटें गिर रही है, हर मैच में 10 से 15 विकेट जा रही है। तो वहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट आपके बॉलर्स दे जा रहे हैं बैटर्स से ज़्यादा, तो उस तरह का कॉम्बिनेशन लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फैंटेसी को पॉइंट मिले, हमारी टीम स्मॉल लीग में टॉप पे आए, हम सारा क्लीन स्वीप करें। पिच स्टैट से चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ इस पिच पे टोटल 61 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 28 मुकाबले जीते और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 32 मैच जीते, तो चेस करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी और चाहेगी चेस करके मैच को अपने नाम करना। लेकिन वहाँ पर इसीलिए मैं बोलती हूँ कि फाइनल टीम टेलीग्राम पे आती है, क्योंकि देखो गाइज यहाँ पर चीज़ें, पिच भी बहुत डिपेंड करता है कि जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस 60% वहीं पर बन जाते हैं जैसे पिच होती है। तो इसलिए वहाँ पर अगर स्टार जीत के बॉलिंग करती है तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, तो उसके प्लेयर्स को हमें अपनी टीम में भरना होगा, स्पेशली बॉलर्स को, उस तरह से कैप्टन वॉइस कैप्टन में चेंज होंगे। इसीलिए फाइनल टीम आएगी टेलीग्राम पे, तो सबसे पहले तो ना टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको इसी मैच के नहीं, हमारे पास के जितने मैच, जैसा कि न्यू ईयर वाला वादा भी था ना, आप जाके देख सकते हो टीम में कितना आग लगाया, कितनी विनिंग करी है हमने, 5 लाख+ की विनिंग करी है, सारे स्क्रीनशॉट सेम टीम जो आपको प्रोवाइड की गई उसी टीम के क्या पॉइंट थे, उसी टीम के साथ मैंने खुद इन्वेस्ट करके कितने पैसे जीते, आप सारे प्रूफ जाके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। ज्वाइन भी नहीं करना है, पहले चेक कर लो, अगर लगेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, उसके बाद जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस, 1 सेकेंड लगता है। चलिए बात करते थे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग 161 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पर्थ स्कॉर्चर्स ने बनाया 273 पे, 2 विकेट है। अगर हम लोएस्ट स्कोर की बात करें तो वो भी पर्थ स्कॉर्चर्स ने बनाया, 60 रन बना के पूरी टीम पवेलियन लौटी थी। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, 150 से नीचे का स्कोर 25 बार बन चुका है, 150 से 169 का स्कोर 13 बार बन चुका है, 170 से 89 की बात करें तो 18 बार बन चुका है, 190+ का स्कोर भी 5 बार बन चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुकाबले यहाँ 150 से नीचे वाले मैच होते हैं, और ये मुकाबला भी मुझे लग रहा है 150 से 60 के बीच वाला मैच हम देखने जा रहे हैं। लास्ट 10 मैच की अगर बॉलिंग अटैक की बात करें तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, आंकड़े भी वही कह रहे हैं, आपके पेसर्स को ज़्यादा विकटें मिलने वाली हैं एज़ कम्पेयर टू स्पिनर। चलिए गाइस जान लेते हैं क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स की।
रेनेगेड्स की तरफ से तो कंफर्म मैं बता रही हूँ, एक से दो चेंज होंगे, वो फाइनल अपडेट आएगी टेलीग्राम पे। तो आप मुझे कमेंट में कर करके मत बताया करो यार ये नहीं खेलने वाला है मैम, ये खेलने वाला है, क्योंकि वीडियो थोड़ा जल्दी बनती है। अगर मैं अभी लास्ट मोमेंट पे वीडियो नहीं बना सकती तो वीडियो जल्दी आती है तो वहाँ पर मे भी कुछ अपडेट छूट जाते हैं, और बार बार वीडियो में आपको बताया जाता है कि फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे आएगी, फाइनल प्लेइंग 11 अगर एकाका चेंजेस होंगे तो वो अपडेट टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें बेस्ट टीम पाने के लिए, बेस्ट प्रेडिक्शन पाने के लिए, क्योंकि आपके 9-10 खिलाड़ी तो यही रहने वाले हैं, तो उनके बारे में आप अच्छे स्टैट्स कलेक्ट कर लो ताकि आपकी जीएल की टीम बेस्ट बन सके। गाइस बात कर लेते हैं, ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे मार्टिन गप्टिल, उनका साथ देते हुए दिखेंगे शॉन मार्स। शॉन मार्स की फॉर्म गजब की चल रही है, लास्ट दोनों मैच उठा के देख लो, शॉन मार्स ने दोनों मैच में कमाल किया है और इस मैच में भी करने वाले हैं, और मुझे नहीं लग रहा है इनको टीम से हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म चल रही है टीम में इनका रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे टीम के कप्तान एरन फिंच, हो सकता है ये ओपनिंग करने भी आ सकते हैं गप्टिल के साथ, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि एरन फिंच फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आने वाले हैं। फिंच भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, फिंच को आप वाइस कैप्टन या कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, उसके बाद नजर आएंगे जोनाथन वेस, मैकेंजी हार्वे, पीटर हैंड्सकॉम। पीटर हैंड्सकॉम का खेलने पे थोड़ा डाउट है मुझे, क्योंकि हैंड्सकॉम की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, तो इनकी जगह पे सैम हार्पर को अगर टीम में इन किया जाएगा तो वहाँ पर ओपनिंग जोड़ी भी बदलाव होगी, वहाँ पर गैप्टिल के साथ आपके हार्पर को भी ओपनिंग कराया जा सकता है। फिर नज़र आएंगे अकील होसन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराते हैं, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली है, इस मैच में हो सकता है अकील होसन एक तरफा मैच को ले जा सकते हैं। फिर देखने को मिलेंगे सदरलैंड, सदरलैंड आपको बैट बॉल दोनों से पॉइंट दिलाएंगे, सदरलैंड को कोई भी अपनी टीम से ड्रॉप बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद देखने को मिलेंगे केन रिचर्डसन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, विकेट टेकर बॉलर है रिचर्डसन, को बहुत सारे लोग कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करते हो, और इस मैच में भी आप वाइस कैप्टन के लिए रिचर्डसन के साथ जा सकते हो। फिर देखने को मिलेंगे मुजीबुर रहमान और टॉम रोजर्स, मुजीबुर रहमान को एक आखा विकेट मिलेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ मिलने वाला है नहीं, लास्ट मैच में भी नहीं मिला था। रोजर्स राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग रोजर्स भी कराते हैं, यहाँ पर उनके भी चांसेस होंगे विकेट लेने के, और रोजर्स के आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो, हर मैच में विकेटें मिलती है। बाकी मैं आपको डेटा से क्लियर कर दूंगी, अब मैं आपको बताऊंगी इन सारे खिलाड़ियों के लास्ट पांच मुकाबले के स्टैट्स के बारे में, और यही वो स्टैट्स हैं जो आपको जीएल की टीम बनाने के लिए बहुत मदद करने वाले हैं। आप पूछते हो कि जीएल की टीम आप मैम दो, जीएल की टीम कोई नहीं देने वाला है, और जो दे रहे हो उस टीम के साथ आप जीत नहीं रहे हो, तो फिर जीएल की टीम कुछ नहीं होती है, जीएल की टीम आप खुद बनाओगे, और कुछ तो आपका किस्मत और आपके जो अच्छे मैच की जो एक नॉलेज होती है स्टैट्स के, अगर आप ये स्टैट्स जान जाओगे तो बहुत आसान होने वाला है आपको जीएल की टीम में प्लेयर्स पिक करने में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं मैकेंजी हार्वे, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 25 रन 15 रन 28 रन 3 रन 16 रन, लास्ट दोनों मैच में हार्वे की भी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। एरन मार्टिन गप्टिल राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 26 रन 24 रन 0 रन 12 रन 6 रन। शॉन मार्स की बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 18 रन 25 रन 28 रन 35 रन, लास्ट मैच में नहीं खेले थे। एरन फिंच राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 31 रन 13 रन 36 रन 17 रन 65 रन। आप एरन फिंच की परफॉर्मेंस देख सकते हो, अगर खिलाड़ी 5 में से 3 से 4 बार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि फिंच की फॉर्म गजब की चल रही है, और यहाँ तो कप्तानी वाली बात है, अगर कप्तानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा ना ले लें तो फिंच इस मैच में तूफान लाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो गाइस मैच के बाद पता चलता है, ये तो प्रेडिक्शन होती है सिर्फ। जोनाथन वेल्स राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 0 रन 26 रन 1 रन 28 रन 22 रन एवरेज, अगर हम देखें तो वेल्स भी ओवरऑल स्कोर करके दे रहे हैं। हैंडसकॉम राइट हैंडेड बैटिंग, विकेट कीपर 27 57 3 5 9, आखिरी तीन मैच में इनका भी 3 5 7, मुझे लग रहा है इस मैच में भी पीटर हैंडसकॉम को जगह नहीं मिलने वाली है। अकील हुसैन लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 30 रन 3 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली। अकील हुसैन की सबसे अच्छी बात यह है ना कि अगर ऊपर से विकेट जाती है तो अकील हुसैन आपको 15-20 रन बैटिंग से भी दिला जाएंगे, तो इसलिए अकील हुसैन को टीम में जरूर ट्राई करें, किसी न किसी तरह से आपके टीम में पॉइंट जरूर मिलने वाले हैं, फ्लॉप नहीं होने वाला ये खिलाड़ी। केन रिचर्डसन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, आखिरी मैच में 2 विकेट, लग रहा है फिर पैटर्न चलेगा तो रिचर्डसन को इस मैच में विकेट नहीं मिलेगी, हालांकि विकेट मिलती है हर मैच में। सदरलैंड राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 0 विकेट 40 रन 13 रन 2 विकेट 1 विकेट, आखिरी मैच में 14 रन बनाया था और 1 विकेट भी मिली थी। सदरलैंड पहली पिक है टीम में रखने के लिए, बहुत आराम से आप रख सकते हो। मुजीबुर रहमान राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, आखिरी 2 मैच से मुजीबुर को विकेट नहीं मिली है, इस मैच में 2 से 2 विकेट तो कन्फर्म मुजीबुर रहमान को मुझे लग रहा है मिलने वाली है। अगर ये टीम पहले बॉलिंग कराने आएगी तो मुजीब को विकेट वहाँ मिलनी कन्फर्म है।
टॉम रोजर्स राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, 3-4 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट. आप देख सकते हो एक आका विकेट रोजर्स को मिल रही है. टेथ में बॉलिंग कराते हैं तो वहाँ पर विकेट मिलना स्वाभाविक है कि विकेट मिल जाती है. अगर आप इधर से सेफ जाना चाहते हो तो आप सान मार्स, एरन फिंच, अकिल हुसैन, रिचर्डसन और टॉम रोजर्स, सदरलैंड, ये 4-5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके साथ आप सेफ जा सकते हो. अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क लेने के लिए आपके पास गप्टिल यहाँ पर है, जोनाथन वेल्स, पीटर हैंस को हम अगर खेलने वाले हैं तो, नहीं तो सैम हार्पर, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मुजीब, ये 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पे आप इस मैच में रिस्क ले सकते हो. चलिए जान लेते हैं दूसरे मैच की क्या होने वाली है प्लेइंग 11 दूसरे टीम की. तो मेलबर्न स्टार्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे जो क्लार्क, राइट हैंडेड बैटिंग और गजब का बैटिंग. विकेट कीपिंग से भी पॉइंट मिलने वाला है, बैटिंग से भी पॉइंट मिलने वाला है, हर मैच में पॉइंट मिलने वाला है. काका मैच तो किसी का भी खराब जा सकता है. उनका साथ देते हुए दिखेंगे रॉजर्स. रॉजर्स लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं. ये जो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है ना, आखिरी मैच में आपने देखा होगा दोनों ने ही 30+ का स्कोर किया था. और अगर आपके फैंटेसी में आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो और खिलाड़ी ने, दोनों खिलाड़ी 30+ का स्कोर कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी टीम ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है. 30+ के बाद हमें एवरेज पॉइंट मिल जाता है. तो आप ओपनर, मैं हमेशा इसलिए प्रेफर करती हूँ कि अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो आप ओपनर्स के साथ बहुत ज़्यादा रिस्क कभी भी मत लेना. ओपनर आपको कंफर्म पॉइंट दिलाते हैं कोई ना कोई. अगर आपके एक ओपनर नहीं भी चलता है तो आपका दूसरा ओपनर आपके सारे पॉइंट को कवर करता है. लेकिन आप अगर किसी को ड्रॉप कर देते हो और दूसरा ओपनर नहीं चला, जिसको आपने ड्रॉप कर दिया है वो चल गया, तो आपकी टीम वहीं पर फेल हो जाएगी. फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे ब्यू वेबस्टर. ब्यू वेबस्टर की बात करें तो ये बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी कमाल मचाने वाले हैं. राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं, फिर देखने को मिलेंगे मार्कस स्टोइनिस. मार्कस स्टोइनिस ने आखिरी मैच में आग लगा दिया था. उस मैच में 70+ की पारी खेल दी थी. एक तरफा मैच को ले गए थे जिसने भी स्टोइनिस को रखा था, और हमने आपको दिया था, आप जाके चेक कर सकते हो उस टीम ने कितना बवाल मचाया था. तो स्टोइनिस आपको बैट बॉल दोनों से पॉइंट दिलाएंगे. स्टोइनिस को आप अपनी टीम में जरूर रखिए, हालिया फॉर्म भी बहुत अच्छी चल रही है. फिर नजर आएंगे निक लार्किन. खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं लेकिन बैटिंग थोड़ा नीचे आती है, तो रिस्क रहने वाला है. आप जीएल में रिस्क ले सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में लार्किन को जगह नहीं मिलने वाली है. फिर देखने को मिलेंगे हिल्टन कार्टराइट, इनको भी आप बिल्कुल काट दो. फिर देखने को मिले केलवे भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, ऊपर से विकेट जाती है. तो हमने देखा था जब पहली बार टीम में आए थे अच्छा स्कोर किया था, लेकिन यहां पर ना बात यह है कि बैटिंग आएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. आपकी स्मॉल लीग की टीम में आप वो खिलाड़ी बिल्कुल भी पिक नहीं करने वाले हो जिसकी बैटिंग ही नहीं आने वाली है. फिर नजर आएंगे लियाम हैचर. लियाम हैचर ने आखिरी मैच में अच्छा बॉलिंग की थी, 2 विकेट निकाला था. तो हैचर के साथ भी आप जा सकते हो. बॉलिंग में एक अच्छा ऑप्शन है ल्यूकुड. ट्रेंट बोल्ट काफ़ी तेज बॉल डालते हैं. फिर नजर आएंगे एडम जेम्पा. तो गाइस जेम्पा को भी 1-2 विकेट कंफर्म मिलती है क्योंकि डेथ में भी बॉलिंग कराते हैं, तो जेम्पा वहां पर विकेट निकाल के ले जाते हैं. और यहां कप्तान है तो ज़्यादा अच्छी फॉर्म भी चल रही है. हर मैच में आप देखो तो विकेट मिल रही है, तो जेम्पा के साथ बहुत रिस्क नहीं होने वाला है. चलिए बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के लास्ट 5 मुकाबले के स्टैट्स की, और ये स्टैट्स आपको कहाँ काम देने वाले हैं, आपके जीएल की टीम के लिए काम देने वाले हैं, और स्मॉल लीग के लिए आप सेफ किसके साथ जाने वाले हो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो. तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो. जो क्लार्क की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैटिंग, विकेट कीपर, 101 रन, 18 रन, 27 रन, 33 रन, 42 रन. आखिरी 5 मैच में देख लो जो क्लार्क हर मैच में चला है. एक मैच में खाली 18 का स्कोर कम है, बाकी किसी भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें जो क्लार्क ने अच्छी पारी नहीं खेली हो. तो जो क्लार्क मुझे लग रहा है ना यहाँ से बहुत सेफ होने वाले हैं, कि आपको जो क्लार्क को अपनी टीम में जरूर रखना चाहिए. फिर नजर आएंगे टॉम रोजर्स, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 20 रन 9 रन 0 रन 20 रन 30 रन. मार्कस स्टोइनिस की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं, 0 रन 0 रन 1 विकेट 1 विकेट. लास्ट मैच में स्टोइनिस को विकेट नहीं मिली लेकिन 74 रन की तूफानी पारी खेल के बहुत सारा पॉइंट दिलाया था हमारी फैंटेसी टीम में. उसके बाद नजर आएंगे हिल्टन कार्टराइट, राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराएंगे, 17 रन 8 रन 20 रन 36 रन 11 रन. निक लार्किन राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 4-34 12-4 9 रन. ब्यू वेबस्टर राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 24 रन 0 विकेट 43 रन 78 रन 1 विकेट 0 रन. आखिरी मैच में वेबस्टर को 1 विकेट मिली थी. केलवे की बात करेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, 25 रन 1 रन 3 रन 9 रन. लियाम हैचर राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट. आखिरी मैच में 2 विकेट मिली थी. ल्यूकुड लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 3 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 2 विकेट. आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली है. आखिरी मैच में ल्यूकुड को विकेट नहीं मिली है, लेकिन ल्यूकुड ऐसा खिलाड़ी है जो आपको हर मैच में विकेट निकाल के देगा, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म तेज बॉल डालते हैं. और वहाँ पर सामने वाली टीम में इतने ज़्यादा राइट हैंडेड बैट्समैन भरे हुए हैं ना, कि यहाँ पर ल्यूकुड को विकेट मिलनी कन्फर्म है.
उसके बाद ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराएंगे, एक विकेट, दो मैच में विकेट नहीं मिली, आखिरी मैच में एक विकेट मिली। एडम जैम्पा राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। इस मैच में भी एक आका विकेट ट्रेंट बोल्ट को मिलने वाली है। गाइस चलिए ना वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ एक न्यू फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है माई मास्टरी 11 फैंटेसी एप्लीकेशन। गजब का एप्लीकेशन है और यहाँ पर बिग बैश लीग में आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी ले आया है। इस न्यू ईयर पे यहाँ पर आपको बहुत ऑफर मिलने वाला है, रियल कैश मिलने वाला है डिपॉजिट में। अगर आप डिपॉजिट करते हो ना तो बोनस तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लेकिन रियल कैश मिलेगा सिर्फ और सिर्फ माई मास्टरी 11 ऐप पे। इसके साथ साथ इंस्टेंट विदड्रॉल, लो कमीशन कॉन्टेस्ट, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, जल्दी से आके डाउनलोड कर लो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की। दोनों टीमों ने T20 इंटरनेशनल में 22 बार एक दूसरे का आमना सामना किया और इस 22 मैच में अगर हम बात करें तो मेलबर्न स्टार्स ने जीते हैं 15 मुकाबले, 22 में से 15 मैच तो स्टार्स ही जीते हैं और आखिरी मैच भी जीते हैं। वहीं बात करें रेनेगेड्स की तो 7 मुकाबले जीते हैं। गाइस यहां पर अगर आप बात करोगे कंपैरिजन की ना तो मेलबर्न स्टार्स यहां भी चमकी हुई नज़र आ रही है एज कम्पेयर टू मेलबर्न रेनेगेड्स। चलिए मैच प्रेडिक्शन जान लेते हैं कि इस मैच में बाजी कौन मारने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन बहुत क्लियर रहता है एज यूजुअल, मुझे लग रहा है मेलबर्न स्टार्स इस मैच को जीतने वाली है। गाइस आपस में इस आमने सामने में भी यही स्ट्रांग दिखती है, रिसेंटली लास्ट मैच भी जिस तरह मस्त मैच जीती है तो वहाँ पर भी स्टार्स को फेवर मिलने वाला है और अच्छी फॉर्म में आ चुकी है। दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की बात करें तो मेलबर्न स्टार्स अपने आखिरी 5 में से 3 मुकाबले जीती है, वहीं बात करें रेनेगेड्स की तो अपने आखिरी 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीती और 4 मैच बार बार लगातार हार ही रहे हैं। तो इस मैच में बहुत मुश्किल होने वाला है रेनेगेड्स के लिए कम बैक करना। और मुझे ना इनका टीम कॉम्बिनेशन भी कुछ उतना समझ में नहीं आता है, वो मतलब जिस तरह की टीम अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन जो है वो प्लेइंग 11 इनकी परफेक्ट कभी भी मुझे दिख नहीं रही है। तो देखते हैं इस बार किस तरह से कवर करने वाले हैं नए कप्तान के साथ। गाइस चलो वीडियो में मैंने आपको सारी बातें कर ली, बहुत सारी बातें बता ली है मैंने, पिच के बारे में सब कुछ बता दिया, प्लेयर स्टार्ट, जीएल में किस तरह से रिस्क लेना है, किसके साथ सेफ जाना है, सारी चीज़ें हो गई है। अब चलेंगे अपने वीडियो के सबसे मेन पार्ट की तरफ जो है हमारी फैंटेसी टीम की, मैंने अपनी फैंटेसी टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को पिक किया है। तो देख लो आप, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस टीम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सेम टीम के साथ भी अगर आप जाते हो ना तो आपको लॉस तो नहीं होने वाला है, मे बी हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी ना हो लेकिन लॉस नहीं होगा, लिख के ले लो। यहाँ मैंने विकेट कीपर में चूज़ किया है जो क्लार्क को। बैटर्स की बात करें निक लार्किन, एरन फिंच, मार्टिन गप्टिल। ऑलराउंडर में मेरी चॉइस होने वाली है मार्कस स्टोइनिस, ब्यू वेबस्टर, विल सदरलैंड। बॉलर में मैंने चूज़ किया है एडम जैम्पा, ल्यू कुटकिन, रिचर्डसन, अकिल हुसैन। गाइज ये मैंने कॉम्बिनेशन लगाया है जो मुझे लगता है कि ये प्लेइंग 11 इस मैच में अच्छा परफॉर्म करके देने वाले हैं। अगर आप कैप्टन के लिए मेरी चॉइस जानना चाहोगे तो मुझे लगता है स्टोइनिस के साथ आप जा सकते हो, थोड़ा रिस्क है लेकिन जहाँ रिस्क है वहाँ मज़ा है, तो रिस्क लो। आप रिस्क लोगे तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो भाई वेबस्टर के साथ या फिंच के साथ भी जा सकते हो। और वाइस कैप्टन के लिए मैंने चूज़ किया अकिल हुसैन, मुझे लग रहा है इस मैच में कमाल करेगा, मुझे बहुत विश्वास रहता है इस बंदे के ऊपर कि इस मैच में अच्छा करने वाला है। अगर आप सेफ जाना चाहते हो आप क्लार्क के साथ भी जा सकते हो, क्लार्क भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दिला देंगे और वहाँ पर रन भी बना के देंगे क्योंकि ओपनिंग करने आएंगे। तो ये टीम मैंने अपनी टीम बनाई है। जीएल में आप और कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, तो कैप्टन के लिए मार्कस स्टोइनिस और अकिल हुसैन तो होने ही वाले हैं। वॉइस कैप्टन के लिए मुझे लग रहा है आप ब्यू वेबस्टर और सदरलैंड के साथ भी जा सकते हो। तो ये मेरे 4 की प्लेयर हैं इस मैच के लिए जो मुझे लगता है इस मैच में परफॉर्म करके देंगे और हमारी फैंटेसी में बहुत ज़्यादा पॉइंट दिलाने वाले हैं। और गाइस मतलब नॉर्मल सी बात है, खिलाड़ी परफॉर्म करके देगा जिसको हमने अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना रखा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी टीम टॉप पे आ जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तो जीएल में हमेशा ट्राई करो अगर आप 8 से 10 टीम बनाते हो तो कॉम्बिनेशन लगाने की, बहुत सेफ जाने की ज़रूरत नहीं कि सारे मैच सारे टीमों ने आपने वेबस्टर को ही कैप्टन 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 बना रखा है या बड़े बड़े मैचेस में हम फिंच को ही पकड़ के कैप्टन 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 या वाइस कैप्टन ट्राई कर देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, कॉम्बिनेशन लगाना है क्योंकि यही जीएल की यही स्पेशलिटी होती है कि आप ज़्यादातर कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। स्मॉल लीग में आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको एक ही टीम के साथ जाना है, टीम जीती तो जीती हारी तो गए, लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर मौका है तो मौके को भुनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन लगाओ, कोई एक कॉम्बिनेशन आपको टॉप पे पहुँचा सकता है। तो गाइस बाकी तो आपको पता है कि मेरी फाइनल टीम यहाँ नहीं आने वाली है, मेरे फाइनल टीम आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल,
फैंटेसी क्रिक बॉल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां पर आपको मिलेगी मेरी लास्ट और बेस्ट विनिंग टीम जो आती है टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद जब हमारे एग्जैक्ट प्लेइंग 11 घोषित हो जाते हैं, इसके साथ साथ टॉस जीतने वाली टीम पता चल जाती है कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करने वाली है या बॉलिंग चूज कर रखी है, वहां पर उसके जीतने के चांसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन में चेंज होंगे और अगर प्लेइंग 11 में कोई चेंज होता है तो हमारे बेस्ट 11 में भी चेंज हो सकता है। वो सारे अपडेट के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट मार्च की पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक सेकेंड लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कॉमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके बताते हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।